नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसीबी के बारे में कि एसीबी क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, एसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, इसके इंटरनल तथा आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है, एसीबी में कंपोनेंट कौन कौन से लगे रहते हैं तथा उनके फंक्शन क्या होते हैं, एसीबी में प्रोटेक्शन किस तरह का यूज किया जाता है, एसीबी का उपयोग कहाँ करते हैं तथा एसीबी में जो आर्क सूट लगा रहता है उसका क्या काम होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो अभी तक जिन्होंने भी इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में कि किसी ब्रेकर को एयर सर्किट ब्रेकर क्यों कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्किट ब्रेकर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा कि ऑयल टाइप, वैक्यूम टाइप, SF6 टाइप। ये ब्रेकर के नाम उनके मेक एंड ब्रेक के में उत्पन्न होने वाला जो आर्क होता है उसको बुझाने में जो माध्यम उपयोग किया जाता है, जो मीडियम उपयोग किया जाता है उसके आधार पर रखा जाता है। जैसे ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर होता है तो उसमें ऑयल आर्क कुंचिंग मीडियम होता है, आर्क को बुझाने के लिए ऑयल का उपयोग किया जाता है। इसी तरह एयर सर्किट ब्रेकर में जो है आर्क को बुझाने के लिए एयर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। एसीबी कुछ देखने में इस तरह के होते हैं, ये अलग अलग मेक में जो है अलग अलग डिजाइन में अवेलेबल होते हैं। तो अगर एसीबी के करंट रेटिंग की बात करें तो ये 400 एम्पियर से लेकर 10,000 एम्पियर तक के अवेलेबल होते हैं। ये इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए मिल जाते हैं जिनका LT साइड में उपयोग किया जाता है। इनका एसीबी का उपयोग मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में किया जाता है जहाँ पे हमें लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वहाँ पे PCC पैनल में इस तरह के एसीबी लगे रहते हैं जहाँ पे हमें LT का लोड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तथा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस तरह के LT एसीबी का उपयोग किया जाता है जिनको हम ट्रांसफार्मर के पास लगाते हैं जहाँ से हमारे LT के फीडर निकलते हैं। इस तरह से एसीबीज का उपयोग पावर सेक्टर में भी किया जाता है जहाँ पे हमें LT के फीडर निकालने होते हैं, तथा इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है जहाँ पे LT का लोड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब हम एसीबी की वर्किंग के बारे में समझेंगे कि एसीबी किस तरह से काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एसीबी का मेन काम होता है सर्किट को मेक और ब्रेक करना। ये जो है सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम करता है। इस तरह से एसीबी में सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए दो कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट तथा मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये जो ऊपर वाले आपको कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहे हैं ये आपके फिक्स कॉन्टैक्ट हैं, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है तीनों, तथा ये नीचे जो दिए गए हैं तीनों ये मूविंग कॉन्टैक्ट हैं, तथा ये कॉन्टैक्ट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट, ये जो ऊपर दिखाया गया है ये हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट है, तथा ये जो नीचे है ये हमारा मेन कॉन्टैक्ट होता है। तो होता क्या है कि जब एसीबी को ऑफ किया जाता है, जब ये ब्रेक करता है सर्किट को, तो उस समय क्या होता है कि पहले मेन कॉन्टैक्ट खुलते हैं, ये मेन कॉन्टैक्ट खुल जाते हैं तथा ये आर्किंग कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े रहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो इसमें आर्क भी कम डेवलप होती है तथा जो आर्क डेवलप होती है वो हमारे मेन कॉन्टैक्ट को डैमेज नहीं करता है। तथा इसी तरह से जब सर्किट ब्रेकर को ऑन किया जाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले हमारे आर्किंग कॉन्टैक्ट मिलते हैं तथा बाद में हमारे ये मेन कॉन्टैक्ट मिलते हैं। तो इस तरह से एसीबी काम करता है। तो अभी आप लोगों ने जाना एसीबी की वर्किंग के बारे में, तो अब हम जानते हैं एसीबी के कंस्ट्रक्शन के बारे में तथा उसके पार्ट असेंबलीज के बारे में जानेंगे। तो एसीबी के पार्ट असेंबली के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है मैंने डिफरेंट कलर से सारा दिखाया हुआ है सारे पार्ट्स को, तो मैं अभी एक एक करके आप लोगों को बता देता हूं कि कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। इस तरह से एसीबी जो है चार्जिंग मैकेनिज्म, क्लोजिंग ओपनिंग मैकेनिज्म, कंडक्टर यूनिट या कॉन्टैक्ट्स तथा आर्किंग सूट और ट्रिपिंग डिवाइस से मिलकर बना हुआ होता है। तो इनको मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया हुआ है, तो इसको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कौन क्या है और किस तरह से काम। इस तरह से इसमें जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये हरा कलर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो ग्रीन कलर है ये आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है पूरा ग्रीन कलर से, जो स्प्रिंग को चार्ज करने के का काम करता है, तथा ये आपको बैगनी कलर जो दिखाया गया है यहाँ पे,
ये बैगनी कलर से जो पूरा दिखाया गया है, ये मैकेनिज्म आपका है क्लोजिंग और ओपनिंग मैकेनिज्म है, जो कॉन्टैक्ट को क्लोज और ओपन करने का काम करता है। तथा ये नीला कलर आप लोग देख रहे होंगे, नीले कलर से ये दिखाया गया है, तो ये जो है आपका जो करंट को कंडक्टर यूनिट है, जो करंट को कैरी करने का काम करता है, जिसके थ्रू करंट जो है फ्लो होती है। तथा ये आप पीला कलर देख रहे होंगे, पीला येलो कलर, तो ये आर्क सूट है, जो हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है उसके साथ में ये लगा हुआ है, ये आर्किंग कॉन्टैक्ट है और इसके साथ में ये लगा हुआ है, तो ये हमारा आर्क सूट है, जो आर्क को क्विंचिंग करने का काम करता है, आर्क को बुझाने का काम करता है। तथा इसी तरह से ये जो है रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, रेड कलर से ये जो दिखाया गया है, ये ट्रिपिंग डिवाइस है, जो फॉल्ट की कंडीशन में ACB को ट्रिप करने का काम करता है, तो ये हमारा ट्रिपिंग डिवाइस है। तथा इसमें और भी ये जो दिखाया गया बाकी का नो कलर है, जिसमें ये इसका पूरा स्ट्रक्चर को है, जिसमें ये सारी असेंबली फिट होती हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इसमें, इस तरह से सारी ये असेंबली जो है, चार्जिंग मैकेनिज्म, ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म, कंडक्टर यूनिट, आर्किंग सूट तथा ये हमारा ट्रिपिंग डिवाइस, ये सारे इसके अंदर फिट होते हैं। अब हम ACB में उपयोग होने वाले आर्क सूट के बारे में समझते हैं कि ये किस तरह से आर्क क्विंचिंग का काम करता है। तो ये आर्क सूट देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, आपको ACB में लगे हुए दिख जाएंगे, ये ऊपर ही लगे रहते हैं, जहाँ पे हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है उसके ऊपर ही लगे रहते हैं। तो इसमें जब कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं, तो इस तरह से आर्क डेवलप होती है, ये क्या करता है, आर्क की लेंथ को इस तरह से बढ़ा देता है, ये आर्क डेवलप हुई इसकी लेंथ को इस तरह से बढ़ा देता है। तथा इसकी लेंथ बढ़ने से क्या होता है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है, आर्क का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तथा इसमें एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, वो इस तरह से सेपरेटर के थ्रू इसको कई पार्ट में डिवाइड कर देता है आर्क को, जिससे क्या होता है कि आर्क हमारी बढ़ने नहीं पाती है और जल्दी ही बुझ जाती है। अगर हम ACB की प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें, तो ACB प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए रिले का उपयोग किया जाता है, कुछ इस तरह की थर्मल रिले भी आप लोगों को लगी दिख जाएंगी, तथा कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल और डिजिटल रिले भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। जब किसी सर्किट में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है या अर्थ फॉल्ट आता है, तो उस कंडीशन में ये क्या करती हैं, ACB को कमांड देती हैं, जिससे कि हमारा ट्रिपिंग मैकेनिज्म जो होता है वो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देता है। इस तरह से फॉल्ट की कंडीशन में ACB जो है लोड को ब्रेक कर देती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है ऑटोमेटिकली। तो इसमें आप देख रहे होंगे, ये आपको ACB दिखाया गया बैक साइड, जहाँ पे इस तरह से सीटी लगी हुई होती हैं, ये आप देख रहे होंगे सीटी हैं RYB तीनों फेज की। तो आपको इसमें बता दूं, इसमें तीन ही बुशिंग आपको दिख रहे हैं कॉन्टैक्ट जहाँ पे। तो ACB 3 पोल और 4 पोल टाइप की होती हैं, ये 3 पोल टाइप की है, जिसमें जो है RY और B फेज के तीनों के पोल दिए गए हैं, RYB तीनों के। तथा 4 पोल की जो ACB होती है, उसमें क्या होता है कि RYB तथा न्यूट्रल का भी एक पोल दिया हुआ होता है। तो इस तरह की कुछ रिले होती हैं, इस तरह की डिजिटल रिले भी होती हैं, मैकेनिकल, ये वो तो ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले हैं, ये आपकी डिजिटल रिले भी इस तरह की आ गई हैं, जो ACB में उपयोग किया जाता है, जिनका जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ACB में फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो ये दोस्तों था ACB के बारे में, तो आप लोगों ने अभी ACB के बारे में जाना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।